सामने की तरफ आपको एक आर्किटेक्चर नज़र आ रहा होगा। बीच का गुम्बद देखिए किस तरह का हो गया, इसका फूल चुका है और बाजू में इसके गुम्बद हैं बहुत सारे। तो ये मस्जिद है दरिया खान की, इसके अंदर चलते हैं हम। और ये देखिए मेहराबें बनी हुई हैं वैसे ही जैसे बनी होती हैं, और इसका आर्किटेक्चर किस तरह का है ये आप देख सकते हैं मेहराबों का। और इधर की साइड में कुंड है, पहले हम आपको इसका शिलालेख दिखाते हैं मस्जिद का। ये देखिए ये रहा शिलालेख दरिया खां की मस्जिद, और यहाँ से हम इसके अंदर एंट्री करेंगे इसके मेन सीढ़ियों से। ये देखिए ये आ गए हम इस मस्जिद के अंदर, और ये देख सकते हैं आप किस तरह का आर्किटेक्चर बना हुआ है गुम्बद नुमा। और ये रहा इसका वो हिस्सा पीछे की ओर किबले रुख वाला, ये देखिए। और गुम्बद देख सकते हैं आप किस तरह का है ये अंदर की तरफ से। और ये देखिए सामने ये रहा मेहराब पीछे की ओर, और इस साइड अगर देखेंगे हम तो इस तरह का आर्किटेक्चर नज़र आएगा वैसे ही मेहराबों वाला। और इस साइड हम देखेंगे तो वैसे ही मेहराब वाला आर्किटेक्चर नज़र आएगा। और ये देखिए इस साइड इस तरह से पूरी मस्जिद के अंदर जो है एक ही तरह का आर्किटेक्चर है, वैसा ही जैसे हमने दिल्ली सल्तनत में मस्जिदें घूमी थी, खिड़की मस्जिद थी या फिर बेगमपुर मस्जिद थी, उसमें जिस तरह का आर्किटेक्चर था वैसे ही। ये देखिए गुम्बद आ गई, एक गुम्बद ही आ गई देखिए इसके अंदर। देखिए ये छोटी गुम्बद जो बनी हुई है वो अंदर से इस तरह से है, और इधर जाएंगे एक ही आ गई और एक गुम्बद ही आ गई, यानी तीन गुम्बद बने हुए हैं छोटे छोटे लाइन से, और बीच में बड़ा गुम्बद और एक गुम्बद और तीन गुम्बद उस साइड इसी तरह से। हमारे बैकग्राउंड में आपको एक मकबरा नज़र आ रहा होगा, दरिया खान का मकबरा। दरिया खान जो कि गुजरात सल्तनत से मालवा सल्तनत में आए थे, जब गुजरात सल्तनत ने मालवा सल्तनत को जीत लिया था 1530 के बाद की बात है। ये 1537 तक गुजरात के अधीन रहा मालवा, तो उस दौर में ये दरिया खान आए थे मांडू में, और मांडू में इनका दिल इतना लगा ये मांडू के ही होके रह गए। मांडू में ही इन्होंने अपना महल बनवाया, और मांडू में ही ये दफन हो गए, और मांडू के अंदर ही इनकी ये मस्जिद है जिसके अंदर अभी हम घूम रहे हैं। ये देखिए ये मस्जिद जो है ये दरिया खान की मस्जिद है, और इसका आर्किटेक्चर के बारे में अभी हमने आपको बताया और दिखाया, ये पूरा मतलब किस तरह का आर्किटेक्चर है। दिल्ली सल्तनत की जो हमने मस्जिदें देखी हैं, जैसे खिड़की मस्जिद थी, बेगमपुर मस्जिद थी, जूने जहां शाह तेलंगानी का जो आर्किटेक्चर है, जो 8-9 मस्जिदें बनवाई हैं उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में, तो उस तरह का आर्किटेक्चर है देखिए देखा जाए तो, क्योंकि बीच में एक गुम्बद है, इसके साइड में इधर तीन गुम्बद इधर तीन गुम्बद, तो उस तरह का आर्किटेक्चर और मेहराबें बनी हुई हैं जैसे कि तुगलक वंश के दौर के अंदर मस्जिदें बनी हैं। लेकिन ये मस्जिद जो बनी हुई है ये बनी हुई है सन 1500 के बाद की, क्योंकि उसी दौर में दरिया खान आए थे। तो ये देख सकते हैं आप इसका पूरा लुक और पूरा आर्किटेक्चर मस्जिद का। देखिए इसके बीच वाले गुम्बद का कुबड़ जो है वो निकल चुका है, और किस तरह से नज़र आ रहा है आप देख सकते हैं गुम्बद में, और साइड में जो तीन गुम्बद बने हुए हैं ये देख सकते हैं आप इस तरह से, और ये देखिए इस तरह से, यानी इसके पीछे दो गुम्बद और हैं, और आगे की तरफ इसका छज्जा आप देख सकते हैं किस तरह का है ये पूरा का पूरा। और इसके जो गेट हैं वो हैं पूरे तीन, और एक चार और तीन सात, ये देख सकते हैं सात गेट हैं, यानी सात द्वार हैं इसके अंदर एंट्री करने के, ये देख सकते हैं आप। तो यह है दरिया खान की मस्जिद मांडू के अंदर, और ये बराबर में आएगा एक कुंड सोमवती कुंड, और उसी के साथ में ये नज़र आएगा दरिया खान का मकबरा। मांडू के अंदर हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जो हिस्टोरिकल पैलेस हैं उनके, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अभी हमने इस मस्जिद के बारे में दिखाया और बताया आपको, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ये मस्जिद जो है दरिया खान की मस्जिद है, और पीछे की तरफ उनका मकबरा है, ये देखिए दरिया खान का मकबरा। और इसका आर्किटेक्चर और लुक आप देख सकते हैं किस तरह का है, गुम्बद किस तरह का हो गया इसका। मांडू के अंदर आपको एक से एक हिस्टोरिकल पैलेस मिल जाएगा, और यहाँ पर जो आपको आर्किटेक्चर मिलेगा ना सिमिलर नहीं मिलेगा बिल्कुल, आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा अलग है। यानी 160 साल के सल्तनत में इतने सारे आर्किटेक्चर बने हैं यहाँ पर। ये देखिए इस मस्जिद का आर्किटेक्चर बिल्कुल अलग है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और देख लो ये मस्जिद, और पीछे की तरफ ये सोमवती कुंड, और पीछे की ही तरफ ये दरिया खान का मकबरा।